हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलोक मूर्ति पर। और फ्रेंड्स, अभी की जैसे आपने जो कान्हा जी का श्रृंगार देखा है, तो उसी प्रकार से आज कान्हा जी का श्रृंगार हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, कान्हा जी के श्रृंगार की जो वीडियोस और रील्स है आपको इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलेगी, तो जल्दी से हमारी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब जो है कान्हा जी का सावन माह के उपलक्ष में श्रृंगार हम करेंगे, तो वैसा ही श्रृंगार होगा फूलों के साथ और फूल बंगले के साथ। तो फ्रेंड्स, कान्हा जी के जो है वस्त्र जो निकाल देते हैं और स्नान हम शुरू कर देते हैं। स्नान में सबसे पहले हमने गर्म पानी लिया हुआ है, क्योंकि ठंडी का मौसम चालू हुआ है, बरसात का मौसम, तो काफ़ी ठंडी यहाँ पर बनी हुई है, तो गर्म पानी का हम इस्तेमाल करते हैं। जल से स्नान के पश्चात आज सावन माह है, तो कान्हा जी को कपूर से स्नान करा जाएगा। इनके शरीर पर जो है कपूर लगाया जाएगा, जिससे कि कान्हा जी से सुगंध आती रहेगी और कान्हा जी को जो नेगेटिव एनर्जी है कान्हा जी के पास नहीं रुक सकेगी। तो ये कपूर जो है मैंने लिया है, जिसका जो पेस्ट कर लिया था पानी में। तो कान्हा जी के पूरे शरीर पर लगाने के बाद जो है हम इनका शरीर को थोड़ा सा घिस देंगे और बाद में जो है पानी से इन्हें स्नान कराएंगे। फ्रेंड्स, अभी जल्द ही हरियाली तीज और झूलन उत्सव भी आएगा, तो वो हरियाली तीज और झूलन उत्सव की वीडियो एक ही आएगी और वो अगली पूर्णिमा तक आ जाएगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप न्यू मेंबर हैं चैनल के, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताना भूलिएगा मत। तो कान्हा जी को जो है हम जल से स्नान करा रहे हैं। अब जो है हम कान्हा जी का श्रृंगार देखेंगे, तो सबसे पहले कान्हा जी का जो बदन है हमने पोछ लिया है। अब जो है कान्हा जी को उनकी जो वस्त्र पहनाते हैं, तो इनका ये पजामा और पायल पहना देंगे। उसके बाद ये उनका कुर्ता है, कुर्ता अलग डिज़ाइन में है, जैसे कि अभी फूल बंगले में विराजमान हो रहे हैं, तो उसी टाइप में कुछ हमने ड्रेस भी बनाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पर ये उनका दुपट्टा, जो कि हम उसे पटका भी कहते हैं, तो उसे भी सेट कर देंगे।
अगर आप वीडियो को अंत तक जो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कान्हा जी का श्रृंगार कितना अद्भुत हुआ इस बार, और कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे इस बार। तो ये कान्हा जी को जो कमरबंद भी हम लगा देते हैं, देखिए अगर आपने भी सावन की माह में कान्हा जी का श्रृंगार किया है तो आप उनकी जो तस्वीर है, उनके दर्शन है, हमें इंस्टाग्राम पर करा सकते हैं। हम अपने गोलोक मूर्ति पेज पर आपके कान्हा जी की जो फोटो है या तस्वीर, उनके दर्शन भी हमारे फॉलोअर्स को कराएंगे। और कान्हा जी को कड़े पहना दिए हैं और उनका जो नेकलेस हार है वो भी उन्हें पहना दिया है। लगभग कान्हा जी का श्रृंगार आधा हो चुका है और अब जो है कान्हा जी का बाकी का श्रृंगार देखते हैं। अब जो है कान्हा जी को उनकी तुलसी की माला धारण कराते हैं और उनकी जो आईज का श्रृंगार कर देते हैं। तो उनकी आंखों का श्रृंगार जो हो चुका है, उनको काजल लगाया गया है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से हमने पगड़ी बांधी थी, तो ये कान्हा जी को हम पहना देते हैं और अब जो है पगड़ी पे अटैचमेंट लगा देते हैं। इस बार जो है कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं आप भी देख सकते हैं। अब जो है पगड़ी की अटैचमेंट देखते हैं, यहाँ पर एक पैच था, ये एक फिदर है मेरे पास, तो ये फिदर लगा, ये वाला पैच जो है नीचे लगा देता हूँ और ऊपर से फिदर लगाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये फेदर मैंने बहुत ढूंढा था, बहुत दिनों से मुझे मिल नहीं रहा था, तो अब जाके ये मिला है। तो मैंने अलग अलग कलर में जो है ये फिदर्स खरीदे हैं और अब जो है कान्हा जी को तिलक लगा देते हैं। उनकी पगड़ी भी खूब सजी है और कान्हा जी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर अब हम फूल भी लगाने वाले हैं। तो ये फूल उसी रंग में होंगे जिस रंग में ड्रेस है, तो फूल भी हम पगड़ी पे और ड्रेस में लगा देते हैं। ये इस प्रकार से कुछ फूल है, इतने जो परफेक्ट कलर के नहीं मिल पाए थे और ये जो थोड़े से फीके हैं, पर ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे तो ये ले आया मैं। तो इस प्रकार से इनके फूल भी लग देंगे। फूल लगाने के बाद हम कान के जो पहनाना है भूल गए थे, तो वो भी हम कान में उन्हें धारण करा देते हैं। और अब जो है कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है, इनका तिलक नीचे गिर गया देखें, तो वो तिलक भी लगा देते हैं। इनको जो मुरली थमा दी है और ये तिलक का। अब जो है कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है, आप उनके दर्शन कर लीजिए। एक बस मोर पंख की कमी थी, वो भी मैं लगा दूंगा, तो इस तरफ से लगा देता हूँ। अब जो है मंदिर में इनके आपको दर्शन होंगे, तो हम इन्हें मंदिर में विराजमान करते हैं। अब आरती करेंगे।
ये देखिए कुछ इस प्रकार से कान्हा जी विराजमान है और मंदिर भी कुछ इस प्रकार से पूरा फूलों से सजा है। ये हमारे छोटे से कान्हा जी है, ये भी फूलों में बैठे हैं। और आप मंदिर का जो पूरा लुक है एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ। तो ये इस प्रकार से, और यहाँ पर बहुत से फूल लगाए हैं और कुछ फूल नीचे भी हमने बिछा दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस बार का कान्हा जी का फूल बंगला हमने तैयार किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।